था कि 370 और 35 है जब जम्मू कश्मीर से हटेगा तो जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आज इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ जे के होम गार्ड्स ने भी उठा लिया। इनका भी फरमाना है, इनके साथ झूठे दावे हुए हैं, खोखले वादे हुए हैं। इन लोगों के साथ जितनी भी बातें की गई हैं वो सारी फ्रेबी हैं और उन सारी बातों में फ्रॉड है। ये लोग आज से नहीं बल्कि 20 साल से अपनी सर्विस दे रहे हैं और 20 साल से इनको यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैं हमेशा नहीं कहता हूँ कि यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी है, यूथ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो बात सही है। वो इसलिए कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितने होम गार्ड्स जो मेरे भाई हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और हर एक शख्स अलग अलग जगह से आ जाया है, इस धूप में आके यहाँ बैठा हुआ है। मरकज़ी सरकार व जम्मू कश्मीर की सरकार के आगे इल्तिजा कर रहे हैं कि इन लोगों को जो है वो नौकरी मिलनी चाहिए। सामने देखिए ये ताली बजा रहे हैं, ये देखिए ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप लोगों की जो वो भूख है वो अब प्लेट बजाकर ख़त्म हो गई। तो ये इसी तरीके से अपनी ये प्लेट स्लेट मार रहे हैं, थाली मारकर अपनी भूख को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि थाली से भी भूख क्या ख़त्म हो सकती है। अगर थाली से भूख ख़त्म हो सकती है तो फिर शायद हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है वो थाली बजाकर अपनी बेवकूफ़ अपनी भूख जो है वो ख़त्म करता है। फिलहाल होम गार्ड्स की जो मांगे हैं वो जम्मू कश्मीर वो मरकज़ी सरकार के लिए धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इसी सब में मेरे साथ एक भाई बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूं। वीरेंद्र, आप लोगों को 2700 रुपया दिया जाता है यार, और पिछले 20 साल से आप सर्विस कर रहे हैं, कॉन्स्टेबल के साथ रहकर आप भी पूरी ड्यूटी देते हैं, उनको 90,000, आप लोगों को 2700, क्या कहना चाहेंगे आज? हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, जो हाई कोर्ट का आर्डर है, वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। आपको लगता नहीं है कि ये जो आपके साथ वादे किए गए थे पहले वो कहीं ना कहीं अब झूठे साबित हो रहे हैं? हाँ वो तो है, हम जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक, जितने भी MLA वगैरह मिनिस्टर वगैरह हम सबको मिले हैं, सब ने हमें आश्वासन ही दिया है काम, किसी भी सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया हमारा। अच्छा, ये जो कहा जा रहा था कि जो युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, युवाओं का ख्याल रखा जाएगा, लगता है रखते हैं? वो आपको दिख रहा है, अगर ऐसा होता तो आज हम रोड पे क्यों निकलते? हम रोड पे निकले हैं तो इसलिए निकले हैं कि हमारी जो सुनाई है वो कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है, वो सिर्फ इनके वादे हैं, झूठे वादे करते हैं गवर्नमेंट जो भी करती है, जो सिर्फ झूठे वादे दिखावा है सिर्फ। अच्छा, ये भी सुना गया है कि आप लोग महीने में 9 दिन ड्यूटी देते हो, बाकी टाइम घर पे रहते हो, आप लोगों को जब बुलाते हैं तब आ जाते हो, जब नहीं तब नहीं, मतलब आप लोगों के फ्यूचर के साथ एक खेला जा रहा है। 9 दिन हम कहीं जहाँ भी जब ड्यूटी करते हैं उसके बाद कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो सारे बोलते हैं कि ये पुलिस वाले हैं, इन्होंने वर्दी डाली थी, ये किया था, वो दिया, तो हमें कोई भी काम भी नहीं देता है हमें। अच्छा, मैंने सुना बाकी जगह जो स्टेट्स हैं उनमें अलग है और जम्मू कश्मीर में अलग है। हाँ, पहले तो हम ये कहते थे कि भाई हमारा 370 है, हमें तो हम बाकियों की तरह आपको नहीं दे सकते, अभी तो झूठी है, तो अभी तो हमें जैसे बाकी स्टेटों को मिलता है वैसे देना चाहिए इनको, तो तब भी अभी तक कुछ भी नहीं इन्होंने किया। लगता है जेके होम गार्ड को दबाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल दबाया जा रहा है, हमारा फंड पीछे से इतना आता है कि अभी हम दिल्ली में किसी हम मिले थे तो दिल्ली में हमें बताया था कि आपको इतना फंड्स आता है कि अगर एक बंदे को भी 40,000 रुपया दिया जाए तब भी कम है। अच्छा, दिल्ली में कहा गया था, ये किसने कहा था? ये दिल्ली में एक मैडम थी जो मतलब हमारे डिपार्टमेंट को वहाँ से जो पैसे सेंक्शन करती है उन्होंने बोला था, और हमारी मिलिटेंसी स्टेट है, मिलिटेंसी स्टेट को सबसे ज़्यादा फंड्स जहाँ इस स्टेट में आता है। अच्छा, इनके साथ वादे हुए थे, इनके साथ इनको ये कहा गया था कि 370 जब हटेगा आप लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगी। 20 साल हो चुके हैं, 2700 इनकी तनख्वाह है और 9 दिन ये एक महीने में अपनी ड्यूटी पे देते हैं, वो भी जब इनको बुलाया जाता है तब, यानी कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को एक्सप्लोइट किया जा रहा है। इनमें से तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके ओवर एज भी हो जाएगी अब, और इन लोगों के साथ अगर ऐसा ही रहा व्यवहार मरकज़ी सरकार व जम्मू कश्मीर की सरकार का, झूठे दावे और फ्रॉड बातें, तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को कहीं मुकाम मंजिल मिलेगी। मुकाम मंजिल तो दूर की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को 2 टाइम का खाना भी मिलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल हमारी आवाज़ भी जेके होम गार्ड्स के लिए हमेशा बुलंद रहेगी, आप भी अगर चाहते हैं कि बुलंद रहें तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप देखते रहें डेली तस्की न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।